नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में हर दिन आपको जम्मू कश्मीर से बड़ी खबरों से रूबरू करवाया जाता है कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ घट रहा है, क्या पूरे सूरत हाल है, ग्राउंड पर किस तरह से सिचुएशन जो है वो बनी हुई है, क्योंकि लोगों की ग्रीवेंसेज को जानना और साथ ही साथ बड़े मुद्दों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर में इस वक्त क्या सूरत हाल है वो जान लेते हैं। सनम एजाज हमें क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं वो देख लीजिए। जम्मू कश्मीर की सियासत में अब क्या कोई नया मूड आएगा, ये तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कल शाम से जो कुछ भी फैसले आए हैं उसके बाद ये भी कहा जाता है कि आने वाले दिनों में सियासत नया पलटवार भी कर सकती है। महबूबा मुफ्ती की कल शाम को रिहाई, और आज श्रीनगर में उनके घर पे उनके पार्टी वर्करों की उनके साथ मीटिंग, और फिर सियासी लीडरान और सियासी जमातों का उनकी रिहाई का खैर मकदम, और उस रिहाई के खैर मकदम के साथ ही महबूबा मुफ्ती का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ऑडियो मैसेज सब दर्शाता है, सब बताता है कि आने वाले दिनों की सियासत में महबूबा मुफ्ती का रोल भी अहम होगा और ये सियासत भी काफी अहम होगी। महबूबा मुफ्ती ने आज सुबह सुबह अपने ऑडियो मैसेज में 5 अगस्त 2019 की तारीख को, जो है काला दिन भी बताया। मैं आज एक साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा, और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूं ये राह कतन आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अजम ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मौविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। वहीं आने वाले दिनों के हवाले से भी नया पैगाम भी भेजा है। साफ जाहिर है, करीबन एक साल से जायद जेल में रहने के बाद महबूबा मुफ्ती ने माजी से लेकर हाल तक के सभी हालात और वाकात को जरूर परखा होगा, समझा होगा, और परखने और समझने के बाद महबूबा मुफ्ती के तेवर, जो पहले से ही कहा जाता है कि कहीं कहीं सॉफ्टनेस की तरफ होते हुए, ये भी बताते थे कि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की सियासत में कोई नया तीर भी चला सकती है। और अब जब महबूबा मुफ्ती की रिहाई हुई है, दूसरी सियासी जमातें महबूबा मुफ्ती की रिहाई का इंतज़ार करते हुए गुपकार डिक्लेरेशन का हवाला भी देती थी, वहीं अब ये भी देखना होगा कि महबूबा मुफ्ती आने वाले दिनों में गुपकार डिक्लेरेशन से साथ साथ 5 अगस्त के फैसले को लेकर आवाम में किस तरह का रोल अदा करती है, किस तरह की सियासत करती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब तक खामोश थी, चुप थी, बता रही थी कि लीडरान कैद में हैं, और दूसरी सियासी जमातें भी कहीं कहीं खामोश ही दिखाई देती थी। वहीं अब महबूबा मुफ्ती भी रहा हुई है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ करने की बात जरूर होगी। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। महबूबा जी के हौसले बहुत बुलंद है जी, ये देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। महबूबा जी के हौसले बहुत बुलंद है, जितने सब मसाइब, जितने सितम, जितने जुल्म उनके साथ किए गए, ज्यादतियाँ उनके साथ की गई, उसके बावजूद शी हैज सफर्ड अ लॉट फिजिकली, मेंटल उनको जो किया गया डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करके, लेकिन अब जो खुशी की बात मेरे लिए ये रही कि उनके हौसले बहुत बुलंद हैं, कि वो बहर हाल और हर हाल काल में रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की तर्जमान है और वो तर्जमानी करेगी। चलिए अब आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान फाजिल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, क्या पूरी वो जानकारी दे रहे हैं वो भी देख लीजिए। यूं तो शहर श्रीनगर में कई तरह के दफ्तर हैं, और सरकारी दफ्तरों को लेकर भी बात करें तो कोविड-19 और पैंडेमिक में काफी दफ्तर बंद ही रहे, और उन्हीं दफ्तरों को लेकर कह सकते हैं कि कामकाज भी बहुत कम रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक बड़ा फैसला, और उसी बड़े फैसले को लेकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से बायोमेट्रिक को पहले स्टॉप कर दिया था, तो अब बायोमेट्रिक नहीं बल्कि फेस रिकग्निशन सिस्टम 15 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, सरकारी दफ्तरों को लेकर बात करें तो सरकारी दफ्तरों के साथ साथ सरकारी
मुलाजमों की हाजिरी कम रहने की वजह से आम जनता परेशान थी। और उसी जनता को लेकर बात करें तो अब मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ यूटी गवर्नमेंट का फैसला ये है कि न्याय होगा और एक गरीब इंसान के साथ न्याय होगा। यानी सरकारी दफ्तरों में सरकारी मुलाजिम अच्छी खासी तनख्वाह तो लेते हैं, मगर जहां तक हाजिरी का ताल्लुक है बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि पैंडेमिक में बायोमेट्रिक सिस्टम को, जी हां, बैन भी किया गया था क्योंकि एक साइड से वायरस की फैलने की खबर थी, तो बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ साथ हाजिरी भी कम थी। एक नया सा ऑर्डर निकला कि अब दोबारा से दफ्तर ज्वाइन करने होंगे, सैनिटाइज भी किया गया, मगर उसके बावजूद भी सरकारी मुलाजमों की हाजिरी कम रही, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। 15 अक्टूबर से अब लागू किया जा रहा है, जी हाँ, फेस रिकग्निशन सिस्टम, जो कि प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करेगा सरकारी मुलाजिम और साथ ही साथ उसकी हाजिरी, और उसी हाजिरी को जज करने के बाद तनख्वाह भी दी जाएगी। अब देखने वाली बात है कि इसका असर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर कितना पड़ता है, जो सरकारी दफ्तरों में जाते तो हैं जबकि काम भी करना है, मगर हाजिरी के साथ साथ अब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का भी सामना करना पड़ेगा। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7, गुलिस्तान न्यूज, कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे श्रीनगर, और श्रीनगर से हमारे सहयोगी तजमुल हमें क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं वे भी जान लेते हैं, क्योंकि अहम चीजें बहुत रहती हैं कि आखिर कश्मीर घाटी के अंदर क्या कुछ घट रहा है। श्रीनगर से क्या रिपोर्ट दे रहे हैं देखिए। वक्त मौजूद है साउथ कश्मीर के अवंतीपोरा के चरसू इलाके में। पांपोर से आज हमने अपना जर्नी शुरू किया और पहुंचते पहुंचते हम चरसू पहुंच गए, और मैं इस वक्त एक मकामी शॉप में खड़ा हूँ, और मकामी शॉप में जो है यहाँ पर बैट इंडस्ट्री जो हमारा है काफ़ी रिच है, और इंग्लिश विलो की जब हम बात करते हैं तो ये बैट जो है कहते हैं कि हमारे पास ब्रांडेड है, डबल ब्लेड का इस्तेमाल है, और इसका वेट जो है वो 1200 ग्राम के आसपास है। और इसमें कस्टमर कौन होंगे, खेलने वाले कौन होंगे, पर्यटक जब टूरिस्ट रहे नहीं तो कौन लोग होंगे, हमारे साथ एक नौजवान है जी, अपना तारुफ कराएँ। मेरा नाम अरशद अहमद रेशी है। रशीद साहब कहाँ रहते हैं आप? चरसू में। तो ये आपके बुजुर्ग भी यही काम करते थे या आपने बीच में शुरू किया? नहीं, हमारे बुजुर्ग भी यही काम कर रहे थे। तो क्या फ़र्क है आपके बैट में और बाकी स्टेट्स के बैट में, क्या फ़र्क है पहले? जी, कश्मीर में लोग जो बैट होते हैं वो बढ़िया, सबसे बढ़िया बैट होता है, यहाँ की जो लकड़ी है वो बहुत बढ़िया होती है, इसमें निकलते हैं मतलब बहुत सारे बैट निकलते हैं, टेनिस भी निकलते हैं, कास्को भी निकलते हैं और लेदर के भी निकलते हैं। तो मुझे बताओ कि इस साल का सीज़न आपका कैसा रहा? मुझे लगा कि फीका फीका सा है। सर इस साल सीज़न नहीं हुआ, इस साल टूरिस्ट नहीं आए, कुछ काम ही नहीं चला इस साल। पिछले साल भी, पिछले साल 370 हटा दिया गया, फिर कोई टूरिस्ट नहीं आया, इस साल भी कोई टूरिस्ट नहीं आया सर। तो क्या टूरिस्ट ही ये बैट खरीदता था या लोकल टीमें जो हैं वो भी इस बैट को खरीदते थे? अब लोकली हम थोड़ा बहुत लोकली काम कर रहे हैं, टूरिस्ट ज़्यादा बैट ले रहे थे यहाँ से, वो आए ही नहीं और सारा माल ही है सर। तो इस बैट की अगर कीमत बताएं तो होलसेल में क्या कीमत होगी? इसके होलसेल में होगी 1200 रुपया। हाईएस्ट आपके पास रेंज कितने का है जो हाईएस्ट बैट होगा? हाईएस्ट बैट 4000 का भी, 5000 का भी। तो लोकल जो लोग हैं उसकी खरीद फरोख्त भी इस साल मुतासर रही कोविड की वजह से? सर मुतासर रही कोविड की वजह से, सब कोई मुतासर हुआ सर, कोई मतलब थोड़ा बहुत लोकल काम चला है थोड़ा बहुत। तो आप बताओ ना अपने बारे में, आप यही काम करते हैं साल भर? हाँ सर, मैं यही काम कर रहा हूँ साल भर। बर्फबारी में भी बैट बिकते हैं? हाँ बर्फबारी में बिकते हैं, बर्फबारी में भी टूरिस्ट आते थे बहुत, मगर पिछले साल और इस साल। ये आपकी शॉप अपनी है या किराए? अपनी अपनी शॉप है सर। तो आखिर पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो युवा इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं? मैं युवा को बोल रहा हूँ कि खेल के साथ ज़्यादा तवज्जो दो, मतलब बैट मतलब क्रिकेट खेलते रहो, ये अच्छे हैं सेहत के लिए भी अच्छे हैं और एंटरटेनमेंट भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि साहब, की दुकान खाली खाली पड़ी है और हम भी यहाँ 10-20 मिनट बैठे और गुलिस्तान टेलीविजन चैनल की पूरी टीम यहाँ बैठी 20-25 मिनट तक, लेकिन कोई हमने ग्राहक नहीं देखा जिसने बैट खरीदना हो या बॉल वगैरह खरीदनी हो। ये बैट का रेंज है, मुख्तलिफ रेंज इसमें रखे गए हैं, कॉस्को का, टेनिस का, लेदर का और इंग्लिश विलो, कश्मीर विलो, जिस तरह से हमने आपको बताया कि हर किस्म के बैट दस्तियाब हैं, लेकिन COVID-19 पोस्ट आर्टिकल 335 उसके बाद जो है बिजनेस पूरा से खाली पड़ा है। चलिए अब आपको बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला में इरशाद भट्ट हमें ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला की बात करें, यहाँ पे लगातार जो है कोरोना के केसेस में जो है इजाफा ही देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगरचे आज जिला तरक्याती कमिश्नर के बाहर यहाँ इस पार्क में जो
टेस्ट से किया जाता है, हालांकि उसी को एलो किया जाता है जिसने रैपिड टेस्ट जो है किया होगा। इसके साथ साथ यहां पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक साहब, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बारामूला की सिचुएशन है वो किस तरह बनी हुई है। सर आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में, आप ये बताएं अभी तक जो है सुबह से कितने पेशेंट लोग आए हैं और कितनों का आपने टेस्ट किया, कितने पॉजिटिव निकले, कितने नेगेटिव? अभी तक 260 के करीब टेस्ट हो गए हैं, तो जिनमें से 6 पॉजिटिव है, एक दो जिनमें से 2-3 जो है वो एम्प्लॉय है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग रहती है। गेट पे तो इनको सिर्फ थर्मल स्कैन इनका हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, अंदर कोई पॉजिटिव है कुछ है अंदर में, बहुत ज़्यादा गैदरिंग रहने की वजह से डी साहब ने आर्डर निकाला, फिर हमें BMO साहब ने यहाँ भेज के आज सुबह से हमने यहाँ पे सैम्पलिंग स्टार्ट की। 260 अभी तक हो गई, विजिटर्स का भी हुआ और एम्प्लॉयज़ का भी हुआ। इसमें कौन कौन, ये खाली DC ऑफिस के मुलाजिम हैं जो ये पॉजिटिव? नहीं, विजिटर्स भी कुछ पॉजिटिव आए, कुछ एम्प्लॉय भी पॉजिटिव आए। जी, तो ये कहाँ कहाँ रख के रहने वाले? इनमें से कोई एक उड़ी से ताल्लुक रखता है, 2-3 बारामूला से ताल्लुक रखता है, एक सोपोर से ताल्लुक रखता है, एक शीरी से ताल्लुक रखता है। लोग एहतियात नहीं कर रहे। अगर आप बाजार की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होगा या सोशल डिस्टेंस नहीं रख रही है। लोग अभी भी इस चीज़ को थोड़ा आसान समझ रहे हैं, मतलब लॉकडाउन में तो कमी आ गई है। हर जगह आप देखिए कितने एडवर्टाइज वगैरह, एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, पोस्टर्स भी लगे रहते हैं कि मास्क लगाओ, लो सोशल डिस्टेंस, हैंड वॉश का, हाइजीन वगैरह का पूरा ख्याल रखें, लेकिन लोगों को मतलब उतना ध्यान नहीं दे रहे। ये जो बीमारी है इसमें ज़्यादातर हमने ये पाया गया है कि असिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनके सिम्टम्स नहीं होते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जिनके सिम्टम्स होते हैं और वो पॉजिटिव आते हैं। तो यही फैक्टर रहता है, जो असिम्प्टोमेटिक केस होते हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं होता है वो मेन बनते हैं, वो वायरस जो स्प्रेड करते हैं। और हम जो भी सिम्टोमेटिक केस हमारे पास आते हैं और जो पॉजिटिव निकलते हैं उनको हम क्वारंटीन सेंटर भेज देते हैं। तो टेस्टिंग का सवाल है आपके साथ, मैं एक शेयर करना चाहता हूँ एक अच्छी न्यूज़ की। जो पहले हमारे टेस्ट श्रीनगर जाते थे, जो फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है डलू जी, उन्होंने हमें भी यहाँ पर एक लैब दी है RT-PCR। अब हम यहाँ करेंगे एक फुल फ्लेज्ड वायरोलॉजी लैब यहाँ शुरू हो गई है। अब पूरे इस एरिया के सैंपल्स जो हैं वो बारामूला में होंगे और हमारी वायरोलॉजी लैब में होंगे। इस वक्त कोविड सेंटर में कितने पेशेंट्स मौजूद हैं जिनका इलाज चल रहा है? इस वक्त 85 के करीब पेशेंट्स हैं और रिकवरी रेट बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और पेशेंट हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे लगातार कोरोना के केसेस निकल के सामने आते हैं। कल की बात करें, कल यहाँ पे शुमाली कश्मीर के ज़िला तरक्यात के कमिश्नर के ऑफिस के बाहर वहाँ पे जो है रैपिड टेस्ट किए गए, हालांकि उसी को अलाउ किया जाता था DC ऑफिस में जिसने रैपिड टेस्ट किया होगा। कल यहाँ पे जो है तकरीबन 300 से ज़्यादा रैपिड टेस्ट किए गए, उनमें से तकरीबन 5 लोग जो है वो मस्बत पाए गए, हालाँकि वो DC ऑफिस में काम कर रहे हैं। अगर हम इन मुलाजमों की बात करें, एक है इसमें कनिसपोरा का, एक है उड़ी का और दूसरे हैं बाकी इलाके जात के। अगर हम आज की डेट की बात करें, आज यहाँ पे PSC शीरी जो सेंटर है, PSC हेल्थ सेंटर, वहाँ पे जो है आज सुबह से जो रैपिड टेस्ट का सिलसिला वो जारी रहा था, हम अभी तक जो है 3 लोग वहाँ से जो है पॉजिटिव निकल के सामने आए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए, यहाँ पे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है GMC के डॉक्टर सैयद मसूद, उनके साथ हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि यहाँ पे लापरवाही अभी भी लोग कर रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क नहीं पहनते। अगरचे हमने SOPs दिए हैं, तहम यहाँ पे जो है वो ग्राउंड जीरो पे नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम हॉस्पिटलों की बात करें, चाहे हम भीड़ भाड़ इलाकों की बात करें या मार्केट की या बसेज जो जहाँ पे ट्रेवल करते हैं लोग, वहाँ पर हमने ये देखा कि लोग जो है अभी भी एहतियात नहीं करते हैं। हालांकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने यही कहा, हम लोगों से यही अपील करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क का खास ख्याल रखें ताकि ये जो कोरोना वायरस यहां से जल्द खत्म हो जाए। मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, JK 24x7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको बांडीपुरा लिए चलेंगे और बांडीपुरा से भी आज जहूर हमें रिपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं और ग्राउंड पर क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल चल रहा है वो जानना भी बहुत जरूरी है। जहूर की रिपोर्ट देख लीजिए। COVID-19 जो पैंडेमिक है उसके हवाले से आज अगर हम देखेंगे जो है डोर टू डोर जो है कोविड सैंपलिंग, कोविड टेस्ट किया जा रहा है। इरिगेशन कॉलोनी के बाहर जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यहां पे बैठता है और यहां पे जो है कहीं जो है गवर्नमेंट ऑफिस हैं उसके बाहर जो भी आने जाने यहां पे जाता है उसको पहले कोविड टेस्ट करना होगा। और यहां पे जो है BMO हाजन ने एक टीम डिप्यूट की है जो मेन गेट पे रहेगी और यहां पे जो है कोविड टेस्ट सैंपल किए गए। 1 घंटे में तकरीबन 100 के करीब जो है सैंपल किए गए हैं और उनका कहना है जो हमारे
लेबोरेटरी के जो यहाँ पे आए थे उनका कहना है कि वो टेस्ट सैंपलिंग जो करते हैं वो लोगों में अभी पूरे अवेयरनेस नहीं है कि ये टेस्ट सैंपलिंग क्यों है। अगर ये टेस्ट सैंपलिंग होती तो पूरा जो एरिया है वो जो है ग्रीन जोन में जा सकता है, क्योंकि जब टेस्ट सैंपलिंग बराबर हो सकती है तो कोई चिंता की बात नहीं है। और जो COVID-19 है इससे हमें सोशल डिस्टेंस या बाकी चीज़ें हैं उनका पालन करना चाहिए। अगर हम देखेंगे दिन ब दिन जो COVID-19 के जो SOPs है बाकी हैं अब लाइटली लिया जा रहा है, तो जो यहाँ पे जो अफसर्स थे हेल्थ के उनका यही कहना है कि कोविड टेस्ट करना होगा और जो भी यहाँ पे रैपिड टेस्टिंग किया जाता है कोई फीस अदा नहीं किया जाता, एक सैंप फ्री में किया जाता है, तो इसमें जो है लोगों को ताउन करने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है ताकि ये COVID-19 है ये हम यहाँ से भगा सके। फिलहाल JK247 के लिए सुम्बल बांडीपोरा से जहूर अहमद। चलिए अब आपको लिए चलेंगे राजौरी और रिपोर्ट देख लीजिए जमशेद की। देखो एक यूटी सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम शुरू हुआ जिसको जन अभियान नाम दिया गया। जन अभियान जो 10 तारीख को शुरू हुआ था और 1 तारीख को जो है वो 1 अक्टूबर को ख़त्म हुआ था। इमीडिएटली उसके कम्प्लीशन के बाद जो है बैक टू विलेज शुरू हुआ और बैक टू विलेज भी अब ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। और इस जन अभियान के दौरान और बैक टू विलेज के प्रोग्राम के दौरान जो है बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और ख़ास करके मैं बताऊँ कि जन अभियान के दौरान जो है 3 ब्लॉक दिवस हुए जिनमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनमें काफ़ी सारी सर्विसेज हमने एट देयर डोर स्टेप जो है वो इशू की। अगर उनमें बात की जाए तो 70,000 हमने जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए, 15 से 16,000 हमने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स इशू किए। इसके अलावा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स हमने इशू किए, काफ़ी सारे नए काम भी शुरू हुए, काफ़ी सारी पेमेंट्स हुई नरेगा के अंदर पेमेंट्स हुई, उसके अलावा जो है PMAY के काफ़ी सारे केसेस सैंक्शन हुए। इसके साथ साथ काफ़ी सारे केसेस में जो है आधार सीडलिंग हुई, आधार सीडलिंग के साथ साथ काफ़ी सारे जो पेंशन केसेस रुके पड़े थे वो भी थ्रू हो गए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यूटी सरकार ने फैसला लिया जिन्होंने ये कहा कि अब ये ब्लॉक दिवस जो है ये कंटिन्यू रहेंगे। सरकारी स्कीमों का लोगों को फ़ायदा पहुंचता नजर आ रहा है, जहां सरकार की तरफ से ब्लॉक दिवस मनाने का ऐलान किया गया था जिसके चलते आज राजौरी में भी ब्लॉक दिवस मनाया गया, जिसमें सबसे बड़ी बात सामने ये आई कि DC राजौरी की तरफ से ये कहा गया कि ब्लॉक दिवस के दौरान तकरीबन 70,000 लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए गए और कई सर्टिफिकेट साथ ही इशू किए गए। सरकारी स्कीमों का इस तरह लोगों का फ़ायदा पहुँचना शुरू हुआ, इससे लोगों में भी राहत की सांस ली है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ब्लॉक दिवस के दौरान जिस तरह लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं, इससे पहले जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही थी और अब लोगों को स्पॉट पर ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं, जिसके चलते DC राजौरी की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो जितने भी ब्लॉक दिवस हो रहे हैं इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि उनकी मुश्किलों को वहीं मौके पर ही दूर कर दिया जाए। JK24 News 7 के लिए राहुल सूदन के साथ में जमशेद मलिक। जम्मू पुंछ हाईवे पर कटारमल के नज़दीक, बिल्कुल हाईवे के नज़दीक एक ज़ोरदार धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा और उसके बाद फौरी पुलिस और फौज की तरफ से इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेके यहां सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त बम स्क्वाड दस्ते को भी यहां बुलाया गया है कि किस तरह का ये धमाका था उसको देखते हुए इस वक्त बम स्क्वाड दस्ते की तरफ से भी लगातार इस इलाके को छाना जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़ोरदार एक धमाका हुआ है जम्मू पुंछ हाईवे कटारमल के नज़दीक पर। इस वक्त हम हमारे पीछे भी देख सकते होंगे कि सेना की एक टुकड़ी इस वक्त पूरे इलाके को मुहासरे में लिए हुए इस इलाके के सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये धमाका एक सिलेंडर में हुआ है, सिलेंडर किस तरह का था, क्या इसमें कोई ID लगाई गई थी या कोई गैस सिलेंडर सिर्फ इसमें धमाका हुआ, ये अभी जांच का विषय है। मगर ज़ोरदार धमाके से पूरे इलाका गूंज उठा और जम्मू पुंछ हाईवे पर ये धमाका हुआ है। इस वक्त हम खड़े हैं कटारमल में जहाँ ये ज़ोरदार धमाका हुआ। इस वक्त हमारे नीचे इस तरफ आप देख सकते होंगे कि जंगल में आग लगी हुई है जिसको बुझाने के साथ साथ बम स्क्वाड दस्ता पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन कर रहा है कि और धमाका है या किस तरह का धमाका है ये आने वाले कुछ टाइम में पता जरूर चलेगा। मगर इस धमाके ने राजौरी को एक बार फिर जोरदार हिला के रख दिया है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। चलिए अब आपको जिला कठुआ ले चलते हैं और जिला कठुआ में भी आज किस तरह से कवायद चलाई गई है, सरबजीत क्या कुछ रिपोर्ट दिखा रहे हैं देखिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार में जिस तरह से SOP और गाइडलाइंस के तहत यहां पर कई घंटों का इंतजार आपको करना पड़ता था जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए, और कल रात से यहां पर तब्दीलियों के साथ नए नियम यहां पर लागू कर दिए हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से पहले यहां पर आपको पासिस के लिए कई घंटों तक यहां पर वेट करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था, अब यहां पर आपको
पासिस नहीं बनवाने पड़ेंगे, आपको सिंपल एक फॉर्म जो है वो फिल कर आपको यहाँ पे काउंटर पे जमा करवाना पड़ेगा, वो आपको फॉर्म खुद भरना पड़ेगा, वो फॉर्म भर के आप इस काउंटर पे दे देंगे, उसके बाद एक फ़ोटो उस फॉर्म की आपने ले लेनी है जो वो आपके पास का काम करेगी, जिसके बाद जितने भी पुलिस के यहाँ पे बैरिकेटिंग है वो फ़ोटो दिखा के आप यहाँ से निकल सकते हैं। आपको बता दें कि समय समय पर गैर राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों ने रोष प्रदर्शन करते हुए ये कहा था कि लखनपुर में जो पाबंदियाँ हैं इनको हटाया जाए और जल्द से जल्द लखनपुर का बॉर्डर जो है वो खोला जाए, जिसके बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। वो कल रात से जैसे डिपकॉम जम्मू यहाँ पर पहुँचे थे, उनका कहना था कि जल्दी यहाँ पर नियमों में बदलाव किया जाएगा, और आज सुबह 10 बजे से यहाँ पर नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब यहाँ पर ज़्यादा देर आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा, सिंपल एक फॉर्म आपको भर के यहाँ पर अधिकारियों को सौंपना पड़ेगा, जिसके बाद आपको जम्मू कश्मीर में एंट्री दी जाएगी, और ये आपको जो फॉर्म भरना है उसका एक फ़ोटो आपने मोबाइल में क्लिक कर लेना है, ताकि वो फ़ोटो आप आगे दिखा के सिक्योरिटी को जो जितने बैरिकेटिंग है उनको दिखा के यहाँ से निकल सकें। लखनपुर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे, और जिला डोडा से भी वसीम हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। हमारे साथ आम जनता खड़ी है, इनसे हम जानेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कहां कहां पे ओवर चार्जिंग हो रही है, आज ये सड़कों पे आए और मीडिया के सामने मजबूर होकर इनको आना पड़ा। सर क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद, रहने वाले हम भद्रवाह के रहने वाले हैं, हम डोडा में बिजनेस कर रहे हैं, डेली हमारा अप डाउन है, आना जाना हमारा है, लेकिन हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है ये कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि सोशल डिस्टेंस रखो, मानते हैं हम कि सोशल डिस्टेंस रखेंगे, गाड़ी वालों को बोला था इन्होंने, ट्रांसपोर्ट वालों को, जो 30 सवारियां बिठाते हैं वो 15 ही बिठा दो और किराया डबल लगा दो, किराया डबल लगा दो। उसके बाद में किराया डबल होने के बावजूद भी सवारियां डबल होती हैं, एक मेटाडोर में 50-50 सवारियां होती हैं, कहाँ है सोशल डिस्टेंस? क्यों नहीं उनको पूछते हैं कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? हम रोज हमारा यही काम है, 50-50 सवारियां गाड़ियों में होती हैं, धक्के खा कर पहुँचते हैं, और किराया हमारा देख लीजिए, किराया वही है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इतना पता नहीं है कि 25 आदमी एक बस में आते हैं जिसको 50 आते हैं सवारियां, और किराया वही डबल, 450 रुपये किराया भद्रवाह से जम्मू तक किराया है, ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ है सोशल डिस्टेंस जबकि वो गाड़ियाँ भरी भरी सवारियां ले जाते हैं? इसका मतलब कि एसओपीस की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। सीधी सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं कहीं, एडमिनिस्ट्रेशन वाला है ही नहीं कहीं। लेकिन उसके बाद कुछ ही दिन सर वो चला तो उसके बाद वो सारा रह गया। जब डोडा टाउन की बात करें तो यहाँ पे भी हम देखते हैं काफी जाम लगता है, एम्बुलेंसें खड़ी होती हैं, आवाम खड़ी होती है, बीमार जो लोग होते हैं अलग अलग दूर दूर गाँव से आते हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी सर, ये बिल्कुल सही है, जो जाम का मसला है ये अगर ट्रैफिक वाले अपनी ड्यूटी सही तरह से देते हैं, जिसको मर्जी है जहां गाड़ी खड़ी करता है, जिसको मर्जी है जिस दुकान के सामने गाड़ी खड़ा करता है तो माल उठाता है, कोई रोल नहीं है, कोई मतलब यहां सिस्टम नहीं है ट्रैफिक वालों का, कहां गाड़ी लगानी है, कहां नो पार्किंग है, कहां पार्किंग है, ये कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन जो भी आता है जहां उसको मर्जी गाड़ी खड़ी करना चाहे वो वहां कर देता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। जैसा कि आपने DSP साहब ने पिछली बार बताया था कि 30 की जगह 15 सवारियाँ बैठेगी, फिर आपने 10 की जगह 20 रुपये किराया देना है, लेकिन आज समझ नहीं आ रही है, टेम्पू को 11 सवारियाँ पास है लेकिन वो 30 भी उठाता है, 28 भी उठाता है, यही मैं देखने में आया। जो भी एजेंट उनको कमीशन लेते हैं वो भी मिले हुए हैं, वो भी जब तक ना टेम्पू को 28 या 30 सवारियां भरेंगे तब तक वो भी टेम्पू गाड़ी को छोड़ते नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने भी बताया है जिस गाड़ी में 12 लोगों की कैपेसिटी है उसमें 6 ही लोग बैठेंगे क्योंकि COVID-19 चल रहा है, SOPs का ध्यान रखना है, मगर धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, कोई भी पूछने वाला नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से डिमांड करते हैं जो टाउन के अंदर रॉन्ग पार्किंग, मैं अपने कैमरामैन से बताऊं, इस तरफ आप देख सकते हैं भरत रोड का रास्ता है, इस तरह से रॉन्ग पार्किंग है, कोई भी पूछने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को इन पर ज़रूर नकेल कसनी चाहिए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं जिला सांबा का, कृषि की रिपोर्ट में देखें। बैक टू विलेज कार्यक्रम का लगातार अभी भी विरोध किया जा रहा है कुछ सरपंच पंचों द्वारा। मैं आपको बता दूं कि बैक टू विलेज का तीसरा चरण भी समाप्त हो चुका है लेकिन विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। सांबा ब्लॉक के सरपंच पंचों का एक आरोप जो है वो जिला प्रशासन सांबा पर लगाया जा रहा है कि बैक टू विलेज 1 और 2 कार्यक्रम जो करवाया गया था उसमें जो सरपंचों ने खर्चा किया, पंचों ने खर्चा किया, वो प्रशासन ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। यानी जो फंड्स पहले और दूसरे चरण के लिए आए थे वो अभी तक नहीं रिलीज किए गए हैं और सरपंचों का आरोप है कि इसमें भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। अगर ये फंड्स रिलीज नहीं हुए तो वो
कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आखिर क्या पूरा मसला है, मैं सरपंचों से जानने का प्रयास करता हूँ, क्या आपकी तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या पूरा मसला है, क्या मामला है, हमारे दर्शकों को पहले बताने का प्रयास करिए। देखिए, बैक टू विलेज वन और बैक टू विलेज टू, उसके बाद बैक टू विलेज थ्री जो आया है वो हमने बायकॉट किया था। हमारे इस प्रोग्राम में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, बैक टू विलेज बंद करवाया गया था, तो तब हम लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से बोला गया था कि आप जो प्रोग्राम करेंगे इसमें जो खर्चा करेंगे वो खर्चा सब आपको वापस मिलेगा। वैसा ही बैक टू विलेज टू में किया गया। बैक टू विलेज थ्री जो है हमने बायकॉट किया है। आपको बता दें कि बैक टू विलेज वन और टू में हमारे जो हमारी पंचायतों में जो खर्चे हुए थे उसका जो फंड्स आए थे वो आज तक हमें नहीं मिल पाए। डिस्ट्रिक्ट पंचायत एसोसिएशन की तरफ से डीसी सांबा से भी हमने रिटर्न में ये दिया था कि ये फंड्स हमको अलाट नहीं हुए हैं। एसीडी सांबा, डीपीओ सांबा, बीडीओ सांबा, जब तक जहां तक कि हमने जम्मू प्रेस क्लब में भी अपना ये प्रोटेस्ट दिया था कि जो प्रोग्राम किया गया है हमारी पंचायतों को इसके पैसे नहीं मिल पाए। 9 ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक में से एक दो ब्लॉक को ही ये पैसे मिले हैं। सरपंचों पंचों के पैसे जो हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से वापस नहीं दिए। जानना चाहूंगा कि सरपंच पंचों को कहा गया था कि पावर्स आपके हाथ में होगी, पंचायतों को सशक्त किया जाएगा, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं पीछे समझ रहे हो अपने आप को, वो पावर्स आपके हाथ में नहीं दिख रही जिस तरह से आपकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हमारी नहीं सुनता है। 2 महीने पहले हम बैक टू विलेज प्रोग्राम होने से पहले ये प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं कि जो हमारे डिपार्टमेंट है वो हमारे से कॉपरेट नहीं करते हैं, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम करवाने का तब फायदा है जब ये डिपार्टमेंट हमारे साथ कॉपरेट करे, लेकिन कुछ हमारे डिपार्टमेंट है वो तो सीधे तौर पर कहते हैं कि हमारे पास फंड्स ही नहीं है। जब से ड्यूटी बनी हुई है सितंबर महीने से हमारे डिपार्टमेंट को फंड्स नहीं आए हैं, तो अगर फंड्स नहीं आए हैं तो ये प्रोग्राम कराने का कोई फायदा ही नहीं है। हमने इनको बैक टू विलेज वन और टू में जो काम दिए थे एक भी काम हमारा नहीं हो पाया, तो ये डिपार्टमेंट नहीं चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पंचायतों को सशक्त बनाने का और चलो गांव की ओर गांव को तरक्की करवाने के लिए जो काम है किए जाए, ये कभी नहीं डिपार्टमेंट चाहते। इसीलिए इस वजह से ये जो करप्शन है जो हम आपको बता रहे हैं ये हो रही है। डिपार्टमेंटों का कहना है हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो फिर आप लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो, पंचायतों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो ये प्रोग्राम करके वहां पे डिपार्टमेंट बुलाकर, अगर उनके पास पैसा ही नहीं है तो ये काम कैसे करेंगे। आखिर मैं पूछूंगा, डीसी साहब ने इसको लेकर आपसे कोई बात की है? डीसी साहब ने बोला था हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, आज तक इंक्वायरी नहीं हुई है। जल्द से जल्द अगर इंक्वायरी नहीं होती है तो हम क्राइम ब्रांच जम्मू जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर सरपंचों का कहना है कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई आगे नहीं की गई प्रशासन द्वारा तो ये क्राइम ब्रांच में जाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि फंड्स इन्होंने अपनी जेब से खर्चे हैं, जो प्रशासन ने फंड्स देने थे वो अभी तक नहीं आए हैं, और अगर केंद्र सरकार हर एक पंचायत को बराबर फंड्स भेज रही है तो फिर कुछ पंचायतों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है जिला प्रशासन सांबा पर, सांबा ब्लॉक के कुछ सरपंचों का। लेकिन अब देखना ये होगा कि फंड्स रिलीज किए जाते हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर या फिर एक हफ्ते के बाद ये सीबीआई इंक्वायरी करवाने के लिए मजबूर होंगे सरपंच। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया कैमरामैन राहुल के साथ जेके 24/7 न्यूज के लिए। तो फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।